नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल पे। मेरा नाम है सनील कुमार और आप देख रहे हैं बी डेफिनेट। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बाटला हाउस मूवी की, जो आज लॉन्च हुई है। इत्तेफाक से दो बड़ी मूवीज, बाटला हाउस और मिशन मंगल, एक ही दिन रिलीज हो गए। मेरे पास चॉइस थी कौन सी मूवी पहले देखने की, तो मैंने बाटला हाउस को चूज किया, बिकॉज एक्शन मूवीज मुझे ज्यादा पसंद आती हैं। बहरहाल, मिशन मंगल का भी रिव्यू इसी चैनल पे आएगा, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बाटला हाउस का रिव्यू करते हैं। दोस्तों, अगर बाटला हाउस की बात की जाए तो जॉन इब्राहिम इसमें मेन लीड में है और निखिल अडवाणी ने इसको डायरेक्ट किया है। निखिल अडवाणी कल होना हो के बाद उन्होंने शायद उस तरीके की मूवीज हमको नहीं दे पाए जो उनसे अपेक्षा की जा रही थी। देखिए, बाटला हाउस इंसिडेंट क्या है। बाटला हाउस इंसिडेंट ये है कि 2008 में दिल्ली और यूपी के कुछ शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उन बॉम्ब ब्लास्ट रिहायशी इलाकों में हुए, मार्केट्स में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इंडियन मुजाहिदीन ने इन बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। उसके बाद जो सर मूवी में दिखाया गया है कि जो मिलिटेंट थे उनको पकड़ने का एक प्लान बनाया गया और उनको पकड़ा गया। ये एक रियलिटी है, एक रियल इंसिडेंट पे ये मूवी बेस्ड है। दोस्तों, अगर मूवी की बात की जाए तो जॉन इब्राहिम ने बहुत ही सीरियस और मैच्योर किस्म का रोल किया है। एसीपी संजय कुमार, जो एक्चुअल में उस वक्त एसीपी थे, उनका उन्होंने रोल प्ले किया है। देखिए, जॉन इब्राहिम ने अपने इनिशियल डेज के बाद समझ लिया था कि वो एक रोमांटिक हीरो नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी जो एक्टिंग को शिफ्ट कर दिया एक रियल इंसिडेंट पे जो बेस्ड मूवीज है उन पे उन्होंने अपना फोकस किया और उनको काफी सफलता भी मिली। मद्रास कैफे किया उन्होंने, परमाणु की, उन्होंने सत्यमेव जयते करी और अभी बाटला हाउस। देखिए, मूवी आपको रियल इंसिडेंट के काफी क्लोज ले जाती है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इसमें फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बट अगर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतनी स्ट्रांग स्टोरी के साथ डायरेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया। जो भी मूवीज में आपको जो एक एनकाउंटर अच्छे से नहीं दिखाया गया है या जो इन्वेस्टिगेशन है वो उतनी इंटरेस्टिंग या एंटरटेनिंग नहीं थी। ज्यादातर मूवीज का जो फोकस था वो जो एसीबी संजय कुमार हैं उनके 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 रियल लाइफ में जो उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं या जिस तरीके से वो प्रेशर में हैं या जिस तरीके से आत्मद्वंद से वो लड़ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस दिखाया गया, रेदर देन कि एक्चुअली में बाटला हाउस में जो हुआ वो तो दिखाया गया है बट उसको और इंटरेस्टिंग या फिल्मी तड़का नहीं दिया गया है। शायद कहीं ना कहीं निखिल अडवाणी से यहाँ पे मेरी नजर में थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मूवी देखने लायक नहीं है या मूवी में कुछ कमी है। हाँ, मूवी और बेहतर बन सकती थी। देखिए, एक्टिंग वाइज बात की जाए तो मैंने जैसे ही पहले बोला आपको, जॉन इब्राहिम ने बहुत ही सीरियस और बहुत ही मैच्योर एक्टिंग करी है। और भी जो उनके कलीग्स हैं जो टीम में होते हैं या जो जो मूवीज में जो और किरदार है उन्होंने भी बखूबी रोल किया है, बट फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा डायरेक्शन और बेटर हो सकता था, मूवीज को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। ज्यादा सॉन्ग्स नहीं है मूवीज में, एक दो सॉन्ग्स हैं वो पैचेस में होते हैं। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो अच्छी मूवी है, देखना चाहिए आपको कि हमारे देश में क्या घटनाएं हुई और उसके बाद हमारी पुलिस उस पर कैसे एक्शन लेती है, जाना जरूरी है। और इसको आप देख सकते हैं फैमिली के साथ, बहुत अच्छी मूवी है और इसको मैं देता हूं 5 में से 3 अंक। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का रिव्यू? अच्छा लगा तो उसको प्लीज लाइक करिए और इसी तरीके से नई नई मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा। और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं किसी नए मूवी में किसी नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।